यूकेएसएसएससी पेपर लीक घोटाले, अंकित भंडारी हत्याकांड, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस 21 नवंबर को सचिवालय कूच करेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कूच का ऐलान किया। विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पेपर लीक घपले में भाजपा के लोगों को फंसता देख सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही। वहीं अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच ना कराने के पीछे भी भाजपा का यही डर है। बता दें कि प्रीतम ने कहा कि अंकिता की हत्या में एक वीआईपी का जिक्र बार बार हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि सरकार उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर रही? विधानसभा की भर्तियों में कार्रवाई वाहवाही पाने के बाद जो है अपरिपक्त तरीके से ये किया गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और हाल ये है कि यूएस नगर में मंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। जनप्रतिनिधियों के घर में घुसकर उनकी और उनके परिजनों की हत्याएं हो रही है। इस क्रम में 21 नवंबर को सचिवालय के लिए विशाल कूच किया जाएगा। प्रीतम ने इस कूच में सभी प्रदेशवासियों से भागीदारी करने की अपील भी की है। इस दौरान विधायक विक्रम सिंह नेगी, पूर्व विधायक राजकुमार विजयपाल, सजवान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धरसमाना, संजय किशोर, गौरव गिन्नी आदि भी मौजूद है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। घर में घुस करके उनकी पत्नी की गोली मार के हत्या होना, प्रधान के घर में घुस करके गोली मार करके उनकी हत्या होना, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियां हो रही हैं। और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम